तो इस वीडियो में बात करते हैं बंगाबासी कॉलेज का फॉर्म फिलअप प्रोसेस, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस बनाऊंगा किसका, बंगाबासी कॉलेज का, ठीक है। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट में ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक करते हैं तो देन फॉर्म अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दो, ठीक है। उसके बाद न्यू एप्लीकेंट, ऑब्वियसली न्यू एप्लीकेंट है तो न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक कर देना। उसके बाद चलो बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपना जो रियल नेम है वही देना, मैं तो बस अपने चैनल का नाम दे दे रहा हूँ ताकि ऐसे ही, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको कंपलसरी देना है, मैं कैजुअली दे दे रहा हूँ कुछ भी, ठीक है। ईमेल एड्रेस आपका कंपलशन नहीं है बट ठीक है, दे दिया मैंने। डेट ऑफ बर्थ आपको देना जो कि आपका एडमिट कार्ड में होगा 10th का, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इंस्टा का डेट ऑफ बर्थ दे दिया, इंस्टा का नहीं चलेगा, ठीक है। कन्फर्म डेट, वाह कन्फर्म करने बोल रहा, मतलब कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो बार गलती तो आदमी नहीं करेगा, ठीक है। कन्फर्म करने बोल दिया। ईयर ऑफ पासिंग, कौन सा ईयर में पास किए हो, 12th, वो देना। अपना कास्ट देना, जेंडर, SC ST हर वीडियो में बोल रहा हूँ, SC ST अगर आपका वेस्ट बंगाल, SC ST OBC या फिर कुछ भी आपका वेस्ट बंगाल का सर्टिफिकेट है तभी वैलिड, नहीं तो फिर जनरली करना। कोई और स्टेट का SC ST OBC है तो नहीं चलेगा। डिसेबिलिटी हो तो, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। इसके बाद ये टिक करवा रहा है कि सारा इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से ट्रू है, नॉलेज मेरे नॉलेज में सारा ट्रू है, तो ये सब करके सबमिट कर देना आप लोग। ये सब सबमिट करने के बाद मेरे एप्लीकेशन को दिखाया गया कि 15% कंप्लीट है, ठीक है, हम इसे 100% बनाते हैं। तो कंप्लीट पर्सनल इन्फो में जाना है हमको, जाके उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट कर लो अपने हिसाब से क्या है, ठीक है। मार्शल स्टेटस, सिंगल है, मैरिड है, डाइवोर्स है, क्या है, डाइवोर्स का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। सिंगल है तो सिंगल। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना, अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लो, कौन से रिलीजन में बिलोंग करते हो आप लोग, या फिर आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। रेशन कार्ड, रेशन कार्ड आपका देखना है, मम्मी के पास से पूछना, मम्मी से पूछना आप रेशन कार्ड, APL, रेशन कार्ड में देखना आपका APL लिखा हुआ या BPL लिखा हुआ, या कुछ नहीं लिखा हुआ नन कर देना, ठीक है। फादर का नाम, मदर का नाम देना है, गार्जियन कौन है उसका, और गार्जियन के साथ रिलेशन क्या है, गार्जियन अगर पापा है तो फादर लिख देना आप, गार्जियन अगर मदर है तो मदर लिख देना। ऑक्यूपेशन ऑफ गार्जियन, गार्जियन फादर को बनाया तो गार्जियन का ऑफिस ऑफ ऑफ ये ऑक्यूपेशन देना, ऑक्यूपेशन काम क्या करते हैं। फर्स्ट जनरेशन मतलब अपने फैमिली में सबसे पहले इंसान हो जो कि ये कोर्स कर रहे हो, मान लो बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम पहले इंसान हो तो यस कर देना। हम कौन सा ढूंढने जाएंगे मेरे फैमिली में कौन किया नहीं किया, तो इसमें यस करो नो करो डजेंट मैटर, ठीक है। आपको अपना ब्लड ग्रुप देना, आपको पता है तो दो, नहीं तो कौन टेस्ट करवा के अभी ब्लड ग्रुप देगा, ठीक है ना, नहीं तो ये कंपल्शन नहीं है, ठीक है। गार्जियन का फोन नंबर, गार्जियन का फोन नंबर तो आजकल कोई देता नहीं है, अपना ही नंबर देता है, चलो कोई बात नहीं। अगेन तो यहाँ पे रेशन कार्ड टाइप, रेशन कार्ड कैटेगरी, बात तो बराबर ही है, नन कर देना अगर आपके पास BPL कार्ड नहीं है तो। एरिया क्या आपका, अर्बन है, सेमी अर्बन है, रूरल है, क्या करना है वो कर देना। क्या करना है मतलब कि आपका अगर आप रहते हो विलेज टाइप के एरिया में तो रूरल करना, नहीं तो शहर टाइप के एरिया में अर्बन करना। फैमिली इनकम हमेशा बोलूंगा 2,50,000 से कम देना ताकि स्कॉलरशिप का फायदा उठा सको, सब उठा रहे हैं आपको भी उठाना है। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, माइनॉरिटी में बिलोंग करते हो तो यस, नहीं तो नो। व्हाट्सएप नंबर आपको मांग रहा है ताकि कॉलेज आपको ग्रुप में ऐड करके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भेज सकता है आपको, मतलब डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या, कुछ भी ऑनलाइन क्लासेस हुआ तो प्रोवाइड करेगा, नोट्स वोट्स वगैरह, व्हाट्सएप नंबर इसलिए लिया जा रहा है। पोस्टल एड्रेस जहाँ पे आपको पोस्ट किया जा सकता है वैसा वो एड्रेस दो, पोस्टल सिटी टाउन सिटी दे दो कहाँ रहते हो, डिस्ट्रिक्ट अपना दे देना जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, पोस्ट ऑफिस क्या है अपने मम्मी पापा से आपको पता होगा तो पोस्ट ऑफिस आपका एरिया का क्या है वो दे देना, अपने एरिया का पिन कोड दे देना क्या है, पुलिस स्टेशन दे देना अपने एरिया का, आप पुलिस स्टेशन क्या है यहाँ पे, ठीक है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन गूगल में मारना, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन नियर मी, रेलवे स्टेशन नियर मी जो आएगा वो आपको यहाँ पे लिख देना, ठीक है ना। आपका अगर परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस दोनों सेम है तो क्लिक हियर टू कॉपी करना, सारा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना, डबल डबल मेहनत करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड करना, सेव एंड प्रोसीड कर दिए तो मेरा देखो, उसके बाद आता है सेव एंड प्रोसीड कर दिया, अब आता है आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर देना आपको, आधार कार्ड नंबर दे। इसके बाद क्या करना है, स्कैन पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन सिग्नेचर, 10+2 का मार्कशीट और एज प्रूफ, एग्जांपल क्लास 10 का एडमिट कार्ड दे सकते हो, ठीक है। ये चारों देना है तो मैं चलो देता हूँ, चलो दे दे रहा हूँ,
तो दे दिया, उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देना। ठीक है, अपलोड पे क्लिक कर दिए तो क्या हो गया यहाँ पे, स्कैन पासवर्ड साइज फ़ोटो 50 से 150 KB के अंदर होना चाहिए। मैंने क्या डाल दिया भाई, देख लेता हूँ, 50 से 150, 50 से 150, 50 50 150, ये जा सकता है लगता है मुझे। JPEG मांग रहे हैं ना, हाँ JPEG मांग रहा है, तो मैं यही डाल देता हूँ, जस्ट कि फॉर फर्दर प्रोसेस, बाद में कुछ रुकावट ना आए, इसलिए मैं कुछ भी अपलोड कर दे रहा हूँ, तो इससे कोई मैटर नहीं। आप लोग को कुछ जो मिला है वही अपलोड करना है, ठीक है, फिर ओरिजिनल मार्कशीट भी अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट में 10 ये एज प्रूफ डॉक्यूमेंट देना है, एज प्रूफ डॉक्यूमेंट। आप शायद हो जाए, सारा डॉक्यूमेंट मैंने साइज के हिसाब से दे दिया, आप लोगों को भी इसी साइज के हिसाब से ही डालना है, नहीं तो फिर होगा नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरा हो गया प्रोसेस, 15 से डायरेक्टली 45% पे हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे, पूरे 100% तक इसको लेके जाएंगे। तो उसके बाद क्लास 12 का डिटेल्स भरना है, ठीक है, अपना निकालो मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन नंबर देना वहाँ से, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका क्लास 12 का रोल नंबर यहाँ पे भर देना, ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन से ईयर में रजिस्ट्रेशन हुआ देख लेना, ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है वो दे देना, यहाँ पे क्लास 12 का बोर्ड कौन सा है वो दे देना, ठीक है ना। वोकेशनल कोर्स है तो यस, नहीं तो नो। वोकेशनल कोर्स में कर रहे हो क्यों, रेगुलर में तो रेगुलर ही करना, वोकेशनल तो बहुत रेयर होता है, ठीक है। उसके बाद आई हैव पास ऑल कंपल्सरी सब्जेक्ट इन 10+2, इस पर टिक करवा ले रहा है ये लोग, उसके बाद सबमिट कर देना, कर दिए। उसके बाद मार्क्स हमसे पूछ रहा है, जिसमें से पहला तो लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर इंग्लिश ए, इंग्लिश बी, इंग्लिश स्कोर, ये सब आपको मार्कशीट में लिखा रहेगा, नहीं लिखा तो इंग्लिश ए करके चलने आगे बढ़ना। उसके बाद सेकंड में इंग्लिश, दूसरा लैंग्वेज क्या होगा आपका, हिंदी हो सकता है, हिंदी बी हो सकता है, इंग्लिश इंग्लिश है तो हिंदी होगा, या फिर इंग्लिश लिए हो तो हिंदी की जगह बंगाली हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, आपका जो है वो सकता है। मार्क्स ऑप्टेन, सबसे पहले यहाँ पे मार्क्स ऑप्टेन, और सब में कॉलेज में क्या होता है, पहले फुल मार्क्स पूछ रहा है, यहाँ पे मार्क्स ऑप्टेन पूछ रहा है, मार्क्स ऑप्टेन कितना मिला आपको थ्योरी में, थ्योरी 80 मार्क्स का है तो पहले यहाँ पे फुल मार्क्स भर लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा आपको। प्रैक्टिकल 20 मार्क्स, ठीक है, थ्योरी 80 मार्क्स, प्रैक्टिकल 20 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद मिला कितना, 79, 20, 80, 90, ठीक है, ये हो गया मेरा मार्क्स। उसका अदर सब्जेक्ट, अदर 4 सब्जेक्ट होता है ना, तो भर दो 4 सब्जेक्ट जो जो आपका है, ठीक है, मैं अपने हिसाब से भर, अरे यार हाँ ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है चारों भर दो, मैं हिसाब से भरता हूँ अपना हिसाब से, ठीक है, भर दिया। इसका आप पहले फुल मार्क्स भर लेता हूँ, ये थ्योरी में कितना होता है, प्रैक्टिकल में 20 होता है, आप लोग का प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का, तो उसी हिसाब से अपने भर देना, बाइफर्केशन कर देना। अगर आपको प्रैक्टिकल थ्योरी का बाइफर्केशन पता नहीं है कितना मार्क्स का, तो आप डायरेक्टली 100 कर देना, 100 जा, यहाँ क्यों चला गया ये 100, ठीक है। उसके बाद मार्क्स ऑप्टेन आप करते हैं, मार्क्स ऑप्टेन हमको कितना मिला है वो करते हैं, ठीक है, कितना मिला वो लिख देते हैं यहाँ पे, इसमें भी क्यों छोड़े, लिख देते हैं ये भी। उसका सबमिट कर देना है, सबमिट हम कर दिए। अब मेरा प्रोसेस देखो 75%, बहुत तेज़ी के रफ्तार से जा रहा है मेरा एप्लीकेशन, 75% कंप्लीट हो चुका है। उसका लास्ट कोर्स सेलेक्ट करना है, कौन सा कोर्स, जब बाबा ये इतने ही में हम पहले एलिजिबल, ये सारे एलिजिबल नहीं है, ये सब चीज़ हम नहीं कर सकते, तो ये चीज़ कर सकते हैं तो हम BCom ऑनर्स अकाउंटेंसी सेलेक्ट करते हैं, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करना, ठीक है, यहाँ पे अकाउंटेंसी ऑनर्स अकाउंटेंसी सेलेक्ट करना, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको यही सब सेलेक्ट करना होगा। ACC मतलब कि सेमेस्टर 1 एग्जाम जब होगा आप लोग का, तो ये तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट में आप एग्जाम देना ही होगा, कंपलसरी है वो, तो आपको किस में देना वो आपके हिसाब से, आपको इंग्लिश का एग्जाम देना है कि बंगाली की हिंदी, वो आप पे डिपेंड करता है, ये कंपलसरी ENVS का देना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐड कोर्स वो एग्जाम टाइम, अभी कुछ नहीं, अब वो तो सबको ही देना पड़ता है, मुझे भी देना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद ऐड कोर्स कर दिया मैंने, उसके बाद ऐड कोर्स कर दिया। अगर आपको एक और सब्जेक्ट में अप्लाई करना है तो अगेन ऐड कर सकते हो, ठीक है, यहाँ लिखा है नो पेमेंट विल बी रिक्वायर,
When you click add course, the course will be added to complete your applications. No payment will be required. पेमेंट नहीं लग रहा है. यू मे प्रिंट अ कॉपी ऑफ योर एप्लीकेशन प्रूफ एज अ प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन. तो फॉर्म प्रिंट हम कर लेते हैं. फॉर्म प्रिंट ऐसे करना, उसके बाद साइबर में जाके ये कर देना प्रिंट. प्रिंट हो जाएगा, देन आपका सब कुछ हो गया. तो कैसा लगा फॉर्म फिलअप प्रोसेस? तो जैसे अच्छा लगा तो कमेंट में बताना, ठीक है? और कुछ डाउट हो तो डेफिनेटली वो भी कमेंट में ही बताना, ठीक है? सो थैंक यू सो मच.